अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान हेयर विद अ न्यू टॉपिक, एंड आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको ऑफलाइन की वो पेयरिंग बताऊंगा जिसके अंदर आप हर कलर का ऑफलाइन ले सकेंगे। एंड इसमें आपके पास यूविंग्स भी आएंगे, इसमें आपके पास नॉर्मल ऑफलाइंस भी आएंगे, एंड ये सबसे बेस्ट पेयरिंग है ऑफलाइन की। ये पेयरिंग मैंने खुद की हुई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। एंड अब तो ऑफलाइंस का रेट जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, तो आपको अच्छे रेट्स में ये बर्ड्स मिल भी जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन पसंद करते हैं, आपने ऑफलाइन की ब्रीड करवानी है, तो आप ये पेयरिंग लाजमी करें। एंड वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी स्पेशली न्यू फैंसीज़ के लिए। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ऑफलाइन बर्ड्स के अंदर जो है आपने सबसे पहले जो है एक पार ब्लू ले लेना है, जो कि फिशी मास्किंग में हो, लाइट मास्किंग हो इसकी, एंड वो हो स्प्लिट ऑफलाइन। आपने एक पार ब्लू लेना है अच्छी मास्किंग में, लेकिन उसकी जो फिशरी मास्किंग है वो लाइट होनी चाहिए। डार्क मार्किंग वाले बर्ड जो हैं फिशरी वाले, वो आपने ऑफलाइन की वर्किंग में यूज़ नहीं करने, वो रिकमेंडेड नहीं होते। आपने लाइट मास्किंग में लेना है, फिशरी मास्किंग में पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर जो है वो पेरेंट्स लाजमी चेक करने हैं, पेरेंट्स की मास्किंग आपने लाजमी चेक करनी है, उनकी स्केलिंग चेक करनी है, क्योंकि ऑफलाइन ऐसा बर्ड है, अगर आप पेरेंट्स में मास्किंग होगी उनकी जो उनके जो होते हैं फ्लाइंग फीदर, उसकी स्केलिंग जो है उसकी वो अच्छी नहीं होगी, तो आपका जो बर्ड है चाहे वो फिज़िकली आपको अच्छा भी नज़र आ रहा है, उसकी आपको नई भी मास्किंग नज़र आ रही, वो जब अपने ब्रीडिंग रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, अपने बच्चे जब प्रोवाइड करेगा, उसमें आपको इश्यूज़ आएंगे और आपको बर्ड को सेल करने में इश्यूज़ होंगे। तो जब आपने उनके पेरेंट्स चेक करने गए हैं, मेक श्योर कि उनकी मास्किंग ठीक हो। जो ऑफलाइन अगर कोई बर्ड लगा हुआ है उनके पेरेंट्स के अंदर, तो उसकी मास्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और स्केलिंग जो है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए। बर्ड आपका क्वालिटी का होना चाहिए पेरेंट्स में, और आपका जो बर्ड आप बाय करने जा रहे हैं वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो आपने एक पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन ले लिया, उसके साथ आपने लगानी है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल। ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल जो है, इसके भी पेरेंट्स आपने लाजमी चेक करने हैं। ये आपस में सिबलिंग नहीं होने चाहिए, डिफरेंट जगह से बाय करें, डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे आपने बाय करने हैं। मास्किंग क्योंकि सेल्फ पट्टों की मास्किंग थोड़ी बहुत होती है ऑफलाइन में, लेकिन वो फर्स्ट मोल्ड के बाद क्लियर हो जाती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि फर्स्ट मोल्ड के बाद आपका जो बर्ड है, जो ऑफलाइन बर्ड है, इसकी मास्किंग बिल्कुल क्लियर हो जाए इसकी आइज़ के पास से, या अगर उसके फोरहेड या फेस पे है तो वो भी क्लियर हो जानी चाहिए। स्केलिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके फीदर अच्छे होने चाहिए। ऑफलाइन के फ़ीचर आपने चेक कर लेने हैं। अगर आपको नहीं पता ऑफलाइन के फ़ीचर्स का, तो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो आपने अच्छी मास्किंग के, अच्छी क्वालिटी के बर्ड के लिए पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन लिया आपने, और आपने एक लिया ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, इन दोनों का आपने पेयर अप कर लेना है। इसमें आपके पास 15 किस्म के बच्चे आएंगे, 15 किस्म की ऑप्शंस होंगी जो कि आपको पॉसिबल होंगी, क्योंकि एवरी पॉसिबल बर्ड जो है उसकी तकरीबन 6-7% पॉसिबिलिटी होगी कि वो आपके पास आएंगे। इसके अंदर से जो भी सिंपल बर्ड्स आपके पास आएंगे, सिंपल बर्ड से मेरी मुराद है कि जो कि सिंपल ग्रीन फिशर्स आपके पास आएंगे, उनमें जो मेल्स होंगे वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे और स्प्लिट ब्लू भी होंगे, क्योंकि पार ब्लू ब्लू बर्ड है एंड आपने साथ विजुअली ऑफलाइन लगाया हुआ है। तो सिंपल ग्रीन फिशर जितने भी आएंगे वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे और स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे जो मेल्स होंगे। जो फीमेल्स आएंगी वो सिर्फ स्प्लिट ब्लू होंगी, स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होंगी। जो ब्लू फिशरीज आपके पास सारी आएंगी मेल्स, वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, एंड जो फीमेल्स आपके पास होंगी वो सिंपल ब्लू फिशरीज होंगी। जो ग्रीन यूविंग्स आपके पास, सिंपल ग्रीन यूविंग्स आएंगे, वो सारे स्प्लिट ब्लू भी होंगे, स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे जितने भी मेल्स होंगे, और जितने भी ग्रीन यूविंग्स आपके पास फीमेल्स आएंगी वो नॉर्मल स्प्लिट ब्लू होंगी, स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होंगी। इसी तरह जो भी आपके पास सिंपल ब्लू यूविंग होंगे, जो नॉन ऑफलाइन बर्ड्स आएंगे, ब्लू यूविंग जो होंगे उनमें मेल सारे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, और जो फीमेल्स आएंगी वो सिंपल ब्लू यूविंग्स होंगी। ये तो हो गए सिंपल बर्ड्स। इनके अलावा जो आपके पास ऑफलाइन आएंगे, उसमें आपके पास ग्रीन ऑफलाइंस आएंगे, ठीक है, सारे स्प्लिट ब्लू होंगे, एंड आपके पास ब्लू ऑफलाइन आएंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो पार ब्लू ऑफलाइन आएंगे। ये तीन बर्ड आएंगे, और इंशाल्लाह ताला तीनों बर्ड्स की वैल्यू भी अच्छी है, आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इनको आगे फर्दर जो है जो अपनी पेयरिंग्स हैं म्यूटेशंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन आगे
बहुत सारी म्यूटेशंस में यूज़ होना है, तो आपने मेक श्योर यही करना है, आप पेरेंट्स चेक कर लें आपके बर्ड्स अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके पास चिक्स भी अच्छी क्वालिटी के आएंगे और वो जल्दी सेल हो जाएंगे। इसके अलावा यूविंग्स में आपके पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन आएंगे जो कि स्प्लिट ब्लू होंगे, और इसके अलावा आपके पास ब्लू यूविंग ऑफलाइन आएंगे, और आपके पास आएंगे पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन। तो इसमें आपके पास एटलीस्ट 6 किस्म के जो हैं वो एक्सपेंसिव बर्ड्स आएंगे और एटलीस्ट 6 से 7 किस्म के ही नॉर्मल बर्ड आएंगे। जो सबसे नॉर्मल बर्ड आपके पास आएगा ग्रीन, वो होगा ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू जो कि फीमेल्स होंगी, वो भी एटलीस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये का पीस है। सारे बर्ड्स इसके अलावा इससे ऊपर ही आपको मिलेंगे। तो ये पेयरिंग जो है आपको तकरीबन जो पार ब्लू है स्प्लिट ऑफलाइन आजकल के रेट के मुताबिक 25 से 30 हज़ार रुपये में मिल जाना चाहिए अच्छी क्वालिटी का बर्ड, और जो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है ये भी आपको तकरीबन 25 से 30 हज़ार में मिल जानी चाहिए अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन द एज, अगर आप अभी ख़रीद रहे हैं तो आप एटलीस्ट 6 मंथ का बर्ड तो ख़रीदेंगे। तो ये आपका जो पेयर है ये 50 से 60 हज़ार के दरमियान किसी भी जगह पे आपको मिल सकता है। अच्छी जगह से बर्ड बाय करें, अच्छे ब्रीडर से बाय करें, अपने लोकल ब्रीडर्स को प्रेफर करें, अगर उन्होंने अच्छे बर्ड्स लगाए हुए हैं तो उन्हीं से बाय करें। तो ये 50 to 60 thousand के दरमियान आपका पेयर बनेगा, और आपको ये एक क्लच के अंदर डिपेंडिंग कि आपके पास किस तरह के बर्ड्स आते हैं, अगर आपकी लक अच्छी हुई तो आपके पास महंगे बर्ड्स आ जाएंगे एक ही क्लच में, नहीं तो आपको हर क्लच में जो है वो ऑफलाइन यूविंग ऑफलाइन आपको मिलेंगे ही, 1 से 2 बच्चे आपके पास लाजमी आते रहेंगे। तो मेरी अपनी परसेप्शन है कि ये बर्ड आपको सीज़न के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए दे के जाएगा। इसकी जो इनकम है आपकी फॉर पूरे सीज़न की वो 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान ईजिली हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको अपनी पेयरिंग भी दिखा देता हूँ। तो अपना अपने बर्ड्स का अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखेंगे मेरे पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है, ठीक है, और ये साथ में पार ब्लू है इसके विच इज़ स्प्लिट ऑफलाइन। ये इसकी लाइट फिशरी मास्किंग है, और जो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है उसकी भी स्केलिंग आपको शायद नज़र आ रही हो, आप चेक कर सकते हैं, वो उसकी स्केलिंग अच्छी है, मास्किंग भी ठीक है। ये बर्ड अभी मोल्टिंग पे है, ये मोल्ट बिल्कुल क्लियर करेगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका फेस। इसकी लाइट मास्किंग है फेस के ऊपर, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मोल्टिंग के बाद ये बिल्कुल क्लियर कर लेता है। और ये पार ब्लू है स्प्लिट ऑफलाइन। तो ये पेयरिंग है मेरे पास, ठीक है, एंड इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, काफ़ी अच्छे किस्म के बच्चे आपके पास आएंगे, सारे ही ऑफलाइन के कलर्स आपके पास आएंगे इसमें, ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन, और इस तरह ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन और ब्लू यूविंग ऑफलाइन। तो ये सारे बर्ड्स आपको इस पेयरिंग में से मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन की पेयरिंग करना चाहते हैं तो ये पेयरिंग आप लाजमी करें।